ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग के बीच आज लेके आए हैं लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको बहुत जगह पर लोग कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट के नाम से भी जानते हैं। आज पढ़ेंगे उसको। पढ़ने से पहले लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले यह जानना पड़ेगा कि एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ सर्कुलर फंक्शन क्या होगा। यहाँ पर सर्कुलर फंक्शन जो रिप्रेजेंट किया गया है, यानी बोल सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स के रूप में कैसे होता है, और उसी बीच में जानेंगे कि इस वैल्यू को हम लोग बोल सकते हैं इलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू। तो क्या होता है इलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू, आज सबके बारे में एग्जाम्पल विथ डिफिनेशन पढ़ेंगे। चलिए देखिए लेक्चर 17। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ सर्कुलर फंक्शन निकालें कैसे। आप लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आज पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखिए हम लोग पढ़े थे नेचुरल एक्सपोनेंशियल, जिसको वी नो दैट एक सीरीज के रूप में था ई टू पावर एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल टू प्लस एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल थ्री प्लस एक्स फोर बटे फैक्टोरियल फोर प्लस डॉट 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 कहां तक, टू इंफिनाइट जाता है। अब यहां पर देखिए कि हमको दो पार्ट में करना है, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको कि जहां एक्स है तो वहां पर हम लोग फॉर्म लेके चलेंगे, जैसे कि जहां जहां एक्स क्या लेंगे आई एक्स लेंगे आटा एक्स, तब क्या होगा रिजल्ट, क्योंकि हम लोग को सर्कुलर फंक्शन देने के लिए साइनस और कॉसेस बनाने के लिए दो पार्ट में करना पड़ेगा, और दो पार्ट में तभी होगा जब हम एक कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लेंगे, और कॉम्प्लेक्स वेरिएबल लिए क्या चाहिए यहां पर आटा एक्स के लिए, तो वन प्लस आटा एक्स प्लस आटा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल टू प्लस आटा का पावर थ्री एक्स क्यू बटे फैक्टोरियल थ्री प्लस आटा का पावर फोर एक्स पावर फोर बटे फैक्टोरियल फोर प्लस आटा का पावर फाइव एक्स पावर फाइव बटे फैक्टोरियल फाइव प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा, इनफिनाइट तक जाएगा आपका। हम यहां पर कुछ नहीं किया, पहले से मालूम है ये सीरीज है नेचुरल एक्सपोनेंशियल का सीरीज है, उसी में एक रियल वेरिएबल था यहां पर आटा एक्स लिए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के रूप में, इस रूप में बन गया आपका। इसका दो पार्ट कर सकते हैं हम लोग, ई टू पावर आई एक्स इक्वल टू वन प्लस आटा एक्स, आटा का स्क्वायर क्या होता है माइनस वन होता है, माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल टू, अब आटा का क्यूब क्या होता है माइनस आटा होता है एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल थ्री, अब आटा का फोर क्या होता है वन होता है एक्स फोर बटे फैक्टोरियल फोर प्लस आटा का फाइव क्या होता है आटा होता है आटा एक्स पावर फाइव बटे फैक्टोरियल फाइव प्लस डॉट 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 कहां तक, टू इंफिनिटी तक। याद रखिएगा ये जो आटा पावर फाइव फोर जो है बेसिक क्लास में बता दिया गया आप लोग का, यहां से हम लोग दो पार्ट लेंगे, रियल पार्ट लेते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल टू प्लस एक्स फोर बटे फैक्टोरियल फोर, इसके बाद क्या होगा माइनस आएगा, जैसे ही आगे बढ़ेंगे आई टू पावर सिक्स तो माइनस होगा आपका टू इन्फिनिटी, ये रियल पार्ट हो गया। इमेजिनरी पार्ट में क्या होता है कि आटा कॉमन लेंगे यहां पर, तो क्या बचेगा आपका एक्स बचेगा यहां पर क्या बचेगा माइनस एक्स क्यू बटे फैक्टोरियल थ्री होगा प्लस, इसके बाद क्या होगा आटा यहां पर है एक्स पावर फाइव बटे फैक्टोरियल फाइव प्लस डॉट 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 कहां तक, टू इंफिनिटी तक। यहां पर दो पार्ट आ गया, रियल पार्ट एक इमेजिनरी पार्ट, और जैसी एक्सपोनेंशियल के साथ रियल रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग किए तो एक सीरीज तैयार हुआ मेरा, और यह सीरीज किसका है हम पिछले क्लास से बता चुके हैं, यह सीरीज किसका है कॉसेस का, यह सीरीज किसका है साइन एक्स का, यही दो पार्ट आ गया साइन एक्स और कॉसेस के रूप में। चलिए देखिए इसके आगे
हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंशियल वैल्यू, अब इसके बाद यहां पर दो वैल्यू आगे तैयार हो गया आपका इट पावर आरटा एक्स का, क्या तैयार हो गया कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, इसको एक चीज और बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट फॉर्म, कॉम्प्लेक्स मोडुलो आर्गुमेंट फॉर्म भी बोल सकते हैं इसको, तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं स्टार के, उसमें आर भी था यहां पर लगा हुआ आपका इक्वेशन, इसको वन मान लेंगे। सिमिलरली चलो रिप्लेस आर्टा बाय माइनस आर्टा, इसी तरह से जिस तरह से प्लस आर्टा लिए थे हम लोग माइनस लेंगे तो क्या होगा देखिए, इट पावर माइनस आर्टा एक्स का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा कॉस एक्स, जहां जहां आर्टा है क्या करेंगे माइनस आर्टा करेंगे माइनस आर्टा साइन एक्स, तैयार हो गया आपका इट पावर माइनस आर्टा एक्स का वैल्यू तैयार हो गया आपका। तो दो तरह के फॉर्म आ गया ना, इट पावर आर्टा एक्स के वैल्यू उतना आ गया, इट पावर माइनस आर्टा एक्स वैल्यू उतना हो गया, ईलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू है क्या कम सर्कुलर फॉर्म के रूप में। अब क्या करेंगे इससे हम साइन एक्स और कॉस एक्स का मान निकाल सकते हैं, तो दोनों को एड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा तब कॉस एक्स का मान आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन एक्स का वैल्यू आ गया। यानी कि आप भी जब पढ़े थे कि ईलर्स फंक्शन को दो फॉर्मूला है एक रियल इमेजिनरी पार्ट में कंप्लीट वेरिएबल के लिए, तो एक कॉस तैयार हो गया एक साइन तैयार हो गया, एक साइन कॉस का जो वैल्यू है हम लोग एक्सपोनेंशियल के रूप में लागे जिसका नाम है ईलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू। यहां तक क्लियर है, अभी पढ़े क्या थी एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ सर्कुलर फंक्शन, एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ सर्कुलर फंक्शन। अब यहां पर एडिंग यहां तक क्लियर हो आप लोग का, जैसे हम लोग प्लस के लिए उस तरह से माइनस के लेंगे डायरेक्ट, नहीं तो वी रिप्लेस आइटा बाय माइनस आइटा, तो इतना हो जाएगा आपका एडिंग वन एंड टू वी गेट इट पावर आइटा एक्स प्लस इट पावर माइनस आइटा एक्स, इसका टू कितना हो जाएगा टू कॉस एक्स, जैसे दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया टू कॉस एक्स हो गया, यानी टू कॉस एक्स का वैल्यू इतना हम लिख सकते हैं या कॉस एक्स बराबर लिख सकते हैं कितना वन बाय टू इट पावर आटा एक्स प्लस इट पावर माइनस, ये क्या हो गया कॉस एक्स का वैल्यू एक्सपोनेंशियल के रूप में आ गया आपका, ये जो एड करने से आया अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं सब्ट्रैक्ट वन एंड टू वी गेट, अगर दोनों घटा देते हैं तो क्या होता है जैसे माइनस करेंगे इट पावर आटा एक्स माइनस इट पावर माइनस आटा एक्स, अब जैसे दोनों इक्वेशन को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएगा ये दोनों एड हो जाएगा आप ना, कितना हो जाएगा टू आटा साइन एक्स, यानी एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ने से कॉस एक्स का वैल्यू आ गया, अब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा साइन एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका, इसी को बोलेंगे ईलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू। आइए हो गया एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ सर्कुलर फंक्शन, चाहे एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ किसका साइन एक्स एंड कॉस एक्स बोल सकते हम लोग, यहां साइन एक्स का वैल्यू हो गया वन बाय टू आइटा इट पावर आइटा एक्स माइनस इट पावर माइनस, अब हम लोग बोल सकते हैं कि दस कॉस एक्स इक्वल टू वन बाय टू इट पावर आइटा एक्स माइनस इट पावर माइनस आइटा एक्स एंड साइन एक्स का जो वैल्यू आया था वन बटे टू आइटा इट पावर आइटा एक्स माइनस इट पावर माइनस आइटा एक्स है ना, ये दोनों के दोनों वैल्यू क्या करेगा ईलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू,
हम लोग बोल सकते हैं इसको ईलर एक्सपोनेंशियल वैल्यू इज कॉल्ड ईलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू। यहां समझ गए आप लोग, हम लोग दो फॉर्म लिए यहां पर, अभी जो निकाले थे हम लोग वह क्या था, एक्सपोनेंशियल से साइन और कॉस के रूप में लाए वैल्यू। अब साइन एस और कॉस एस के वैल्यू एक्सपोनेंशियल के रूप में लाए, इसका नाम हो गया ईलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू। अब हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि जनरल और प्रिंसिपल वैल्यू, जैसी हम लोग मान रखते हैं, जैसे वी नो दैट अभी से अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या, ई टी पावर अल्टा एस का वैल्यू है कॉस एक्स प्लस अल्टा साइन एक्स। वी पुट एस बराबर टू एन पाई, जनरल वैल्यू के लिए ये तो पार्टिकुलर हो गया, टू एन पाई रखेंगे तब क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ई टी पावर अल्टा टू एन पाई इक्वल टू कॉस टू एन पाई प्लस अल्टा साइन टू एन पाई। यहां पर ई टी पावर टू एन पाई अल्टा भी सकते हम लोग इक्वल टू, अब इसका वैल्यू निकालना है तो हम लिख सकते हैं टू एन पाई को लिख सकते हैं टू एन पाई प्लस जीरो, कोई अंतर नहीं पड़ेगा आपका, प्लस इतना ही आएगा सेम टू सेम साइन टू एन पाई प्लस जीरो, इसमें कोई अंतर नहीं होगा कि साइन टू एन प्लस पाई प्लस जीरो क्या होता है टू एन पाई होगा आपका। लेकिन एक फॉर्मूला क्या हो गया क्या, कॉस टू एन पाई प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा के स्थान पर कितना है जीरो डिग्री प्लस आई साइन टू एन पाई प्लस थीटा तो क्या होगा साइन थीटा यानी कि जीरो डिग्री, थीटा के साथ पर कितना है जीरो डिग्री, जनरल वैल्यू पढ़ चुके हम लोग। और इसके वैल्यू क्या होता है वन, इसके वैल्यू क्या होता है जीरो, तो कितना हो गया वन, यानी ई टू पावर टू एन पाई आई का मान कितना हो गया वन, इसको याद रखिएगा तो जरूरत पड़ेगा आपको, ई टू पावर टू एन पाई आई का वैल्यू कितना हो गया वन हो गया। यानी इस तरह से हम लोग अभी ईलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू निकाले और ईलर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू को हम लोग एक तरह से जनरल वैल्यू को भी निकाल के दिखा दिया, आपको जरूरत पड़ेगा। हम लोग का मेनली पढ़ना है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या होता है लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जरूरत पड़ेगा इसका सबका, इसलिए बेसिक हम बता दिए आपको। ये सब भी आपको टॉपिक है जो बहुत जगह अप्लाई होता है, इसका बहुत जगह यूज करते हैं, आप देखिए देखिएगा आगे चल करके भी, अब पहले भी इसका यूज कर चुके हम, यहां तक हो गया आपका। लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होता है यदि हम लोग पढ़े थे, एक ध्यान दीजिएगा कि एक्सपोनेंशियल से संबंधित है लॉगरिथम भी, कैसे कि कोई भी टर्म लेते हैं ए टी पावर एक्स एन इक्वल टू कितना है एक्स मान लीजिए, ये क्या है बेस, ये क्या है बेस, तो एक होता है बेस और एक होता है पावर और एक होता है आपका वैल्यू, जैसी कोई कोई संख्या पावर देंगे तो उसका वैल्यू आएगा आपका, जैसी वैल्यू आएगा तो हम लोग क्या करते हैं कि लॉग में चेंज करते हैं, जैसे पावर बहुत सारा पावर हो गया 100 200 300 400 बहुत ज्यादा पावर आ जाएगा, उस कंडीशन में लॉगरिथम के बिना बनता नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप ऐसा भी पावर आ जाए जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं
तब उस कंडीशन में क्या होता है, लॉगरिथम निकालना पड़ता है। लॉगरिथम लगाते हैं किसे, पावर को वैल्यू में, पावर को वैल्यू में और वैल्यू को पावर में आपस में अगर इंटरचेंज कर दिया जाए तो यह एक्सपोनेंशियल जो है लॉगरिथम में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉगरिथम में कन्वर्ट होगा। जैसे लॉग लेने की इच्छा आपका है, जैसे ए है, ए क्या है, जनरल बेस हो गया आपका, पावर ए इक्वल टू एक्स है। अब लॉग लेना है कितना, लॉग बेस चेंज होगा नहीं, बेस तो कब फिक्स रहेगा यहां पर इसके लिए, तो क्या होगा एक्स बराबर क्या हो जाएगा एन। जैसे हम ताकि एन के जगह पर एक्स, एक्स जगह पर एन कर दिए तो क्या बन गया, लॉग बन गया। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत जगह यूज भी आपका। और दूसरा यूज है आपका कोई भी संख्या है एफ एक्स मान दिया हुआ, ई की पावर लॉग एफ एक्स लिख सकते हैं, ई की पावर लॉग एफ एक्स आप लिख सकते हैं। अब पढ़े पहले पढ़े थे ई की पावर लॉग एक्स का वैल्यू क्या था, एक्स होता था, उस तरह एक्स के स्थान पर अगर एफ एक्स रहेगा ये भी क्या होगा, एफ एक्स हो जाएगा यहां पर। ये भी कंडीशन, ये भी फॉर्मूला बहुत बेसिक फॉर्मूला है, यूज करेंगे, ये भी बेसिक फॉर्मूला है का यूज करेंगे। देखिए कैसे करते हैं हम लोग, इफ ई की पावर जेड इक्वल टू ओमेगा, वेयर जेड एंड ओमेगा आर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या नंबर है ना, देन इस कंडीशन में देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ले सकते हैं हम लोग। और इस कंडीशन में एक ध्यान देने वाली बात है कि अभी पढ़े थे कि जेड और ओमेगा को चेंज करते हैं तो जेड क्या कहलाएगा, लॉगरिथम ऑफ ओमेगा, जैसे चेंज करें तो लॉग यहां आ जाएगा आपका, तो जेड इज ए कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ ओमेगा, यानी इस तरह से होगा। लॉग ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, जेड। यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं, जेड इज इक्वल लॉगरिथम ऑफ ओमेगा, यहां क्या किया गया, पावर को वैल्यू में, वैल्यू को पावर में चेंज किया गया। ई बेस है, बेस क्या है, ई है, तो लॉग के साथ जब भी बेस ई लगा हुआ हो याद रखिएगा वह नेचुरल लॉगरिथम है, क्या है, नेचुरल है, क्योंकि यह नेचुरल एक्सपोनेंशियल का बेस हमेशा क्या होता है, ई होता है। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि हम लोग निकालना क्या है, ई पावर जेड प्लस ओमेगा का मान इतना है तो हम लोग निकालेंगे ई पावर जेड प्लस टू एन पाई आई का मान, पहले जनरल वैल्यू निकाल लेते हैं, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जनरल वैल्यू है ई पावर जेड इंटू ई पावर कितना, टू एन पाई है ई पावर जेड, इसका वैल्यू क्या होता है वन, अभी पढ़े थे क्या पढ़े थे ई टी पावर टू एन पाई आई का वैल्यू क्या हुआ, वन होगा, यानी कितना बन गया ई टी पावर जेड प्लस टू एन पाई आई, चाहे आई टू एन पाई कीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई क्या आटा है, बराबर कितना हुआ ई टी पावर जेड, और ई टी पावर जेड का मान क्या लिए था लोग, ओमेगा लिए, क्या लिए, ओमेगा। अब ये पढ़े थे पावर जेड कितना होगा, ओमेगा होगा, यहां तक क्लियर है, ई टी पावर जेड प्लस टू एन पाई कितना ओमेगा है। अब इसको लॉग लेना चाहते हैं, ये पार्टिकुलर वैल्यू है, हम लोग जनरल वैल्यू काम है, लॉग लेना चाहते हैं तो क्या होगा, पावर को वैल्यू में, वैल्यू को पावर में चेंज कर देंगे, ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका। देखिए ई टी पावर जेड प्लस टू एन पाई आई इक्वल टू ओमेगा, तो बाय डिफिनेशन ऑफ लॉगरिथम के माध्यम से क्या हुआ,
लॉग जो है ओमेगा बराबर कितना हो गया जेड प्लस टू एन पाई आई, टू एन पाई आई। ये हम लोग के जनरल वैल्यू निकला, क्या निकला आपको जनरल वैल्यू। पार्टिकुलर वैल्यू के लिए करना कुछ नहीं पड़ता है, अभी अभी पढ़े थे जेड बराबर कितना लॉग ओमेगा, जेड बराबर क्या था लॉग ओमेगा था, वो पार्टिकुलर वैल्यू था, प्रिंसिपल वैल्यू था, है ना। तो प्रिंसिपल वैल्यू था, अब मान लिया कि एन के मान जीरो कर दे तो जेड के मान कितना होगा लॉग ओमेगा हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। अगर टू एन पाई के रूप में है तो क्या समझेंगे जनरल वैल्यू। तो लॉग रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ कैपिटल एल और स्मॉल एल से लिख रहे हैं, इसका कोई रीजन नहीं है, रीजन सिर्फ इतना ही है कि हम लोग जनरल को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एल से और प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एल से। तो टू एन पाई आई प्लस अब ये प्रोडक्ट है जेड के मान कितना था लॉग ओमेगा, लॉग ओमेगा था आपका जेड बराबर क्या था लॉग ओमेगा, यानी लॉग ओमेगा बराबर जेड, ये तो बेस्ट था आपका। ये हो गया जनरल वैल्यू, क्या हो गया जनरल वैल्यू। इसे हम लोग क्या दिस इज रिक्वायर्ड जनरल वैल्यू, वैल्यू ऑफ ओमेगा। अगर इसी के बाद तुरंत आपको प्रिंसिपल वैल्यू मान किया निकालने के लिए, अभी हम एग्जांपल देख क्लियर करेंगे कि जनरल प्रिंसिपल निकालने कैसे। अगर इसी के बाद आपको जरूरत पड़ेगा नहीं हमको जनरल दिया हुआ है प्रिंसिपल निकालना है, तो क्या करेंगे रिपुट एन स्क्वायर टू जीरो देन वी गेट प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो क्या बन गया केवल लॉग ओमेगा रहेगा, तो क्या कहलाएगा वो प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। अगर एन के रूप में है तो जनरल वैल्यू कहलाएगा। हम लोग जनरल से प्रिंसिपल से प्रिंसिपल से जनरल आसानी से ला सकते हैं, लेकिन जनरल से प्रिंसिपल निकालना बहुत आसान है क्योंकि एन के मान जीरो कर ले तो आ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, नहीं तो डायरेक्ट हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सीखेंगे। देखिए हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, आपको एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि कोई भी फंक्शन लेते हैं अलजेब्रिक फंक्शन और ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन और कैसे हम लोग उसका निकालते हैं प्रिंसिपल और जनरल वैल्यू। देख लिया यहां तक आप लोग, जैसे एग्जांपल लेते हैं फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू वैल्यू ऑफ लॉग है, तो वी है कैसे निकाल गया प्रिंसिपल वैल्यू लॉग आटा है तो क्या हुआ अब यही प्रश्न है कि लॉग आटा का क्या होता है इसका प्रोडक्ट फ्रॉम कॉस पाई बाय टू प्लस आटा साइन पाई बाय टू। हम लोग प्रोडक्ट फ्रॉम पढ़ चुके हैं पहले, प्रोडक्ट फ्रॉम का भी यहां ही है कितना लॉग इसके वैल्यू क्या हुआ अब ये पढ़ते कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स आटा साइन एक्स तो क्या हुआ इनटू पावर आई एक्स यानी आटा एक्स। क्लियर हो गया यहां पर। अब यहां पर देखिए कि आई पढ़े तो क्या कि एन के रूप में तो होगा नहीं, ये क्या है प्रिंसिपल वैल्यू लिया गया है, कहिए प्रिंसिपल वैल्यू। तो लॉग के लिए क्या होगा लॉग लॉग ओमेगा के लिए लॉग ओमेगा क्या हो गया प्रिंसिपल वैल्यू हो गया। ऐसे तो दिखा दिया गया कि जनरल के लिए यूज करेंगे और अब प्रिंसिपल के लिए यह यूज करेंगे, यूज के लिए केवल है, ऐसा कोई भेद इसमें नहीं है कि ऐसा ही करना है आपको, है ना। हम लोग ऐसे समझने के लिए यूज करने के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अब पढ़े होंगे कि आई पाई बाई टू गुना मान कर कितना हुआ लॉग ई, इसका मान क्या होता है लॉग ई के मान क्या होता है वन होता है, क्या बचेगा आई पाई बाई टू यानी बन गया प्रिंसिपल वैल्यू इसका निकल गया। बोला कि लॉग आई का वैल्यू क्या हुआ आई पाई बाई टू, ये प्रिंसिपल वैल्यू है।
या कुछ देखिए लॉग आई लिखा हुआ है, यहाँ कोई बेस नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखिए कोई बेस लॉग के साथ नहीं दिया हुआ है, इसका समझ जाते हैं कि बेस कितना हुआ, ई होगा, नेचुरल बेस होगा, क्या हुआ, नेचुरल बेस होगा बच्चा, क्या हुआ, नेचुरल बेस होगा, यहाँ पर कोई बेस नहीं, क्या है, नेचुरल है बेस है, वह ई होता है। अब इसी का जनरल फॉर्म क्या निकाल करें, बोल दे फाइंड द जनरल वैल्यू ऑफ लॉग, तो कैसे निकालेगा, बहुत सिंपल ये भी है, लॉग आई इसका क्या होता है, आटा का अगर पोलर फॉर्म निकालना है आपको, क्या होगा, कॉस पाई बाय टू प्लस आटा साइन पाई बाय टू। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि लॉग इसका मान क्या होता है, e की पावर i पाई बाय टू, और अभी अभी पढ़े थे कि लॉग ओमेगा बराबर 2n पाई i प्लस लॉग ओमेगा, यानी कि e की पावर आटा पाई बाय टू, यह e किसका है, इसके लिए e है, यह पहले से यहां पर e ऑलरेडी है, e बेस पहले से यहां पर है, e बेस पहले से यहां पर है, अब क्या पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n पाई i प्लस यहां लॉग ओमेगा, ओमेगा जब कितना था, e की पावर i पाई बाय 2, इसके बाद कितना आता e की पावर i पाई बाय 2, ये इसके स्थान पर क्या है पाई बाय 2, इसलिए e की पावर i पाई बाय 2 होगा, कितना होगा i पाई बाय 2, और लॉग के वैल्यू क्या होता है 1 होता है, निकल गया आपका, इतना लिखिए चाहे आटा कॉमन ले लीजिए आप 2n पाई प्लस पाई बाय 2 इतना ले सकते हैं, नहीं तो और ले सकते हैं, इसको क्या सी एलसीएम लेंगे, आटा कितना हुआ 4n प्लस 1 पाई बाय 2, इतना भी आप ले सकते हैं, ये क्या है जनरल वैल्यू, क्या हो गया जनरल वैल्यू, किसके जनरल वैल्यू, लॉग आटा का जनरल वैल्यू हो गया आई 4n, पाई कॉमन ले लिए एलसीएम ले लिए 2, पाई बाय 2 बाहर हो गया तो 4n प्लस 1 हो गया जनरल वैल्यू। अब समझ में आ गया प्रिंसिपल ऑफ जनरल वैल्यू, ये अलग निकाल है, हम चाहते हैं कि इसी से निकाल दे, क्या जनरल वैल्यू है और इसी से निकाल दे प्रिंसिपल वैल्यू, तब कैसे होगा, प्रिंसिपल वैल्यू मालूम था आई पाई बाय टू आया था, हम क्या बताते हैं कि जनरल वैल्यू है, दिस इज रिक्वायर्ड जनरल वैल्यू, आप जनरल वैल्यू में ही क्या कर देंगे कि वी पुट एन बराबर 0 कर दीजिए, देन तब क्या हुआ, तो 0 प्लस 1 तो क्या बचेगा 1, यानी क्या बचा आई पाई बाय 2 गुने 1 आई पाई बाय 2, यह क्या बन गया प्रिंसिपल वैल्यू, क्या बन गया, दिस इज रिक्वायर्ड प्रिंसिपल वैल्यू, अभी अभी निकाले थे प्रिंसिपल वैल्यू, आपका ही था आटा पाई बाय 2 आया था प्रिंसिपल वैल्यू, यानी सेम आया आपका, हम डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यू निकाले, डायरेक्ट जनरल निकाले या जनरल निकाल के प्रिंसिपल निकाल, कोई अंतर नहीं पड़ा, अगर निकाले के एग्जाम आ जाए कि प्रिंसिपल और जनरल दोनों निकालिए, तो पहले जनरल निकाल लीजिएगा और उसी में एन के मान 0 कर देगा तो क्या निकल जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू निकल जाएगा, आप लोग क्लियर हो गया, वहां क्वेश्चन देख के पकड़ सकते हैं कि एन के रूप में जनरल वैल्यू, एन के रूप में नहीं है तो प्रिंसिपल वैल्यू, आज हम यही सीखे कॉम्प्लेक्स लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, कि सबसे पहले कि एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ सर्कुलर फंक्शन सीखे, मैंने एक्सपोनेंशियल को साइन एस कॉस एस के रूप में, फिर साइन एस कॉस एस को एक्सपोनेंशियल के रूप में, यानी कि इनवर्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू सीखे, फिर क्या सीखे कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन को हम लोग लॉगरिथम में कैसे प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू निकालेंगे, लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और नेक्स्ट क्लास में सीखने की कोशिश करेंगे बहुत बेस्ट फॉर्मूला है ना, कि लॉग को कैसे हम लोग कोई भी फंक्शन जो है दिया हुआ कि लॉग अल्फा प्लस आई बीटा और लॉग अल्फा माइनस आई बीटा का जनरल वैल्यू क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, हम नेक्स्ट क्लास में, आज यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाया जाएगा लॉग अल्फा प्लस आई बीटा, लॉग एस प्लस आई वाई, लॉग पी प्लस आई क्यू, इतना फॉर्म रहेगा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, सब को सब हम लोग ड्राइव करेंगे, लॉग ए प्लस आई बी सब ड्राइव करेंगे हम,
नेक्स्ट क्लास में, यहाँ तक है।